प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हमने पहला चैप्टर शुरू कर दिया था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें आपने शुरुआत में जो फंडामेंटल्स हैं उसके उसको पढ़ लिए हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ठीक है। इसके आगे अब हम ऑक्सीकरण संख्याएँ कैसे निकाली जाएंगी, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, एक इस पर भी प्रश्न बनता है एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये, आइए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर आपका है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन होगा यहाँ पे, कॉलन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। तो इसमें हम लोगों ने जो पढ़ लिया है वो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ ली, रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली, रेडॉक्स की डेफिनेशन पढ़ ली, कैसे निकालेंगे, ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है, इन चीज़ों का अध्ययन हम कर चुके हैं। जिन छात्रों ने इसको नहीं देखा, पिछले प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लें, वहाँ पे प्लेलिस्ट वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2, उन दोनों वीडियोज़ में आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है आज हम शुरू करेंगे ऑक्सीकरण संख्याएं ज्ञात करने के नियम। ऑक्सीकरण संख्याओं को कैसे ज्ञात करेंगे हम कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। वैसे देखिए बहुत सारे तत्व हैं, तकरीबन 118 के आसपास, सबका तो हम ऑक्सीकरण संख्या नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे तत्व हैं जो महत्वपूर्ण की श्रेणी में रखे गए हैं और लगभग आप कह सकते हैं कि प्रत्येक यौगिक जो आपको मिलेंगे जो महत्वपूर्ण हैं उनमें इनकी उपस्थिति होती है, और यदि उनमें ये उपस्थित हैं तो इसकी सहायता से आप उन यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। कुछ ही तत्वों को यदि आप याद कर लेते हैं तो उसकी सहायता से आप बहुत सारे यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, जो कि निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इनको अगर आप याद कर लेंगे तो आप अच्छा हो जाए, एकदम बढ़िया से ज्ञात कर लेंगे। आइए हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये, कुछ महत्वपूर्ण ही हैं और उनसे मैं अभी करके भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप ज्ञात करोगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले यच, इसको नोट भी कर लीजिएगा, और देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजनों की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। यदि यहीं पर ये अगर हाइड्राइड है तो -1 हो जाएगी, लेकिन वो गिनती का है कि वो केवल प्रथम समूह के यौगिकों के साथ -1 हाइड्राइड में आता है, अगर आएगा तो नॉर्मली इसकी +1 ही होती है हाइड्रोजन की, ठीक है। ऑक्सीजन की -2 होती है, -1 भी इसकी होती है लेकिन वो परऑक्साइड में होती है, परऑक्साइडों में -1 होती है। परऑक्साइडों में -1 क्यों होती है उस पर हम चर्चा भी कर लेंगे थोड़ी देर बाद, अभी हम इसको देखते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण मिलेगा आपको Cl, इसकी -1 होती है। Na मिलेगा, इसकी +1 होती है। और Mg मिलेगा, इसकी +2 होती है। कैल्शियम Ca, इसकी +2 होती है, समझ रहे हैं। K मिलेगा पोटेशियम, पोटेशियम की +1 होती है। और N मिलेगा, N के तो लगभग परिवर्ती भी दिखाता है लेकिन आमतौर पर -3 रखी जाती है, -3 रखी जाती है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एल्यूमिनियम मिलेगा, +3 हो जाएगा, एल्यूमिनियम की +3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हैं, अभी बीच में और मिलते हैं तो हम करके उसकी बताएंगे आप लोगों को कैसे किया जाएगा। एक दो एग्जांपल हम बाकायदे पहले आपको हल करके दिखाएंगे, उसके बाद आप लोग स्वतः करने लगेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, देख लीजिएगा, ये आपको परीक्षा में मिलेंगे ही मिलेंगे,
अगर पेपर बनेगा, और पेपर निश्चित रूप से बनेगा, माध्यम चाहे जो भी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, लेकिन पेपर बनेगा, तो उसमें इसके सवाल आपको मिलते हैं कि आक्सीकरण एक नंबर के लिए 2-3 सवाल ऐसे मिल जाएंगे आपको कि निम्नलिखित यौगिकों में इस किसी रेखांकित तत्वों की आक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो कैसे ज्ञात किया जाएगा, उसी पर आज हमारी चर्चा हो रही है, और ये टॉपिक बेसिकली उसी को डेडिकेट करके बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो तत्व दिए गए हैं, अभी बीच में कोई और एग्जाम्पल, कोई प्रचलित एग्जाम्पल मिलता है तो हम उसके भी तत्व यहाँ बढ़ा देंगे, लेकिन नॉर्मली आप इतने ही जो हैं इन तत्वों को याद करेंगे तो आप मान के चलिए कि लगभग सभी जो महत्वपूर्ण की श्रेणी में रखे गए हैं यौगिक, उनकी आक्सीकरण संख्याएं आप निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे, अब ये निकलेगा कैसे। तो जब दो, कोई दो यौगिक हो, दो एक यौगिक में कोई दो तत्वों से मिलकर कोई यौगिक बना हो, कोई दो तत्वों से मिलकर यदि कोई यौगिक बना है तो उसकी तो आप देख के निकाल सकते हैं कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मान के चलिए पहला एग्जाम्पल है HCl, HCl में हाइड्रोजन की आक्सीकरण संख्या निकालनी या क्लोरीन की निकालनी है। तो आप देखिए, आप जान रहे हैं H की आक्सीकरण, अब इसको अगर आप याद किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर H आप इस H की कितनी होगी, +1 होगी। अगर H की +1 हो गई और Cl की आपको याद ही है हालांकि -1, तो -1 हो जाएगी। नहीं तो इन दोनों में अगर किसी एक की भी आपको याद है तो उससे आपका काम आसानी से हो जाएगा। जैसे इसकी अगर +1 हो गई या इसकी -1 हो गई, तो इसके साथ वाले में अगर दो ही हैं तो इस इतना ही चिन्ह उसके विपरीत, इतना ही आवेश उसके विपरीत चिन्ह में लग जाता है। जैसे देखिए HCl है, H है, Cl है, अगर आपको इसकी याद है कि इसकी +1 होती है, तो अगर इसकी 1 है तो बेटा इसकी भी 1 होगी, हाँ अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। यही अंतर है दो वाले में, समझ रहे हैं। जैसे KCl है, KCl है, KCl में आप जान रहे हैं -1 इसकी है, तो अगर इसकी -1 है तो जितना संख्या होगा अगले पे, अगर दो हैं तो जितना संख्या होगा, एक संख्या यहाँ पे है, यहाँ पे एक गिनती लिखी है ना, तो यहाँ पर भी एक ही होगा, बशर्ते इसका चिन्ह माइनस है तो इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा। केवल चिन्ह बदलता है, संख्या नहीं बदलती, यदि दो तत्वों के हैं तो। ये तो हो गया देख कर जानने का तरीका। इसको हल कैसे करेंगे, तो जिसकी हमको निकालनी होती है उसकी हम क्या मान लेते हैं बेटा, जिसकी हमको निकालनी होती है उसकी हम मान लेते हैं यक्स, और जिसकी हमको दी गई है वो हमें दी ही गई है, उससे हमको हल करके निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए, अगर सपोज करिए हमको -1 इसका याद था, इसका हमको हल करके निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, यक्स प्लस इसका करके -1 बराबर 0 धन ऋण का गुणा ऋण, यक्स ऋण 1 बराबर 0, या यक्स बराबर -1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा। ये देखिए इसकी +1 आ गई है कि नहीं। तो ये इस तरह से तरीके हैं जिसमें आप देखकर भी ज्ञात कर सकते हैं और हल करके भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा, आइए उसको देखते हैं। ये इसको हम लिखा दे रहे हैं, इसको हम लिखे रहने दे रहे हैं, ये हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर भी हम आपको रूल देंगे, ये एग्जाम्पल मैंने पहले आपको इसलिए बता दिया कि ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है ना, आपको पता लग सके कि क्या चीज़ें अभी आपसे रूबरू होने वाली हैं। देखिए आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम, देखिए इसमें आक्सीकरण संख्याओं ज्ञात करने के तो ऐसे तो काफ़ी सारे नियम हैं, लेकिन कुछ या भी जो मैंने एग्जांपल आपको दिखाए थे इसमें बस तीन नियम लगेंगे। कौन कौन से, देखिए रूल नंबर वन क्या होगा, रूल नंबर वन में जब यौगिक उदासीन हो, जब यौगिक उदासीन हो, उदासीन हो तो मतलब क्या होगा, जैसे अभी HCl दिखा था इसके ऊपर कोई चार्ज तो था नहीं, तो उदासीन हो, तो उदासीन होगा तब क्या करते हैं, जब यौगिक उदासीन हो तब योग शून्य मानकर हल करते हैं, तब योग शून्य मानकर हल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अब देखिए जब यौगिक, अब ये जो रूल है बेटा, ये चाहे दो तत्वों वाला यौगिक हो, चाहे तीन तत्वों वाला यौगिक हो, चाहे जितने तत्वों वाला यौगिक हो, अगर ये है तो आप क्या करेंगे, आसानी से कर लेंगे, दो तत्व वाले में भी और तीन तत्व वाले में, दोनों में भी आ जाएगा। हम इसके दोनों एग्जाम्पल आपको देंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे आप के आई का निकाल रहे हो, पोटेशियम आयोडाइड में अंडरलाइन कौन कर दिया, आयोडीन के ऑक्सीकरण संख्या बताइए। पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आपको ये टेबल, ये सारणी याद है तो इसमें पोटेशियम का आप जान गए प्लस वन होता है। मैंने आपको बता दिया कि आप अगर इसको याद कर लेंगे, ये गिनती के होते हैं 8, 9, 10 मैक्सिमम, ये अगर याद करते हैं तो मैक्सिमम टाइम आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ऑक्सीकरण अपचयन के, ये आपसे हल हो जाएंगे बेटा। अब देखिए जो के आई है पोटेशियम आयोडाइड, अब इसमें आप जानते हैं, अब देखिए क्या इसके ऊपर आपको कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये क्या है, उदासीन है। देखिए उदासीन है, तो अब के का क्या होता है, देखिए के का यहाँ से देखिए प्लस वन होता है, तो के की जगह पे प्लस वन रख देंगे। अब यहाँ पर जब एक से दूसरे तत्व पर जाते हैं तो बीच में प्लस का निशान लगाते हैं, तो ये प्लस वन हो गया। प्लस आई, आई का हमको पता नहीं है तो आई हम क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यक्स, क्योंकि हमको जिसका निकालना है हम उसको यक्स मानते हैं, अभी आपने देखा। अभी क्या होगा, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, तो बेटा अभी हमने आपको बताया कि यदि उदासीन हो, कोई आवेश ना हो, तो योग शून्य मानकर हल करते हैं। योग क्या मान लिया हमने, शून्य मान लिया, योग हमने क्या मान लिया, शून्य मान लिया। अब योग शून्य मान लिया तो क्या करेंगे, ये प्लस वन है, प्लस टूटेगा तो कोई उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वन ही रहेगा, ये वन रहेगा। बराबर वन प्लस यक्स बराबर जीरो, या यक्स बराबर, यक्स बराबर क्या होगा, ये प्लस वन जब उधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्लस वन जब उधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। जब ये माइनस वन हो जाएगा, इसका मतलब यक्स हमने किसको माना था, इसी को तो माना था, आई की ऑक्सीकरण संख्या। अब आई की ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गई, माइनस वन आ गई, इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस वन थी ही, तो हल हो गया इस तरह से। अब ये देखिए, इसको अभी हमने सबसे पहले जब आपको बताया था कि जितनी संख्या जिस पर आएगी, जैसे आपको इसको पता था कि प्लस वन होगा तो इस पर भी प्लस, इस पर भी वन होगा, लेकिन ये प्लस में ना होके माइनस में होगा, और यही माइनस वन हमने यहाँ पर हल करके निकाला। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसमें देखिए दूसरी तरह वाला एग्जाम्पल देख लें, ये तो दो तत्वों वाले यौगिक थे, अब अगर कोई तीन तत्व का मिल गया, सपोज करो आपको मिल गया H2SO4, तीन तत्व का मिल गया बेटा, लगभग 90% का 80% क्वेश्चन इसी रूल वन से ही आते हैं, यहीं से आएंगे। अब देखिए बाकी उन दोनों में 10-10% मान लीजिए, वो भी मैं बताऊंगा करके। अब ये देखिए इसमें क्या हो गया, अब जैसे ही आपने इसमें देखा, हमने कहा रेखांकित तत्व की, रेखांकित हमने सल्फर को कर दिया, यस को, रेखांकित तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। अब जैसे ही हमने ये कहा, तुरंत आपके माइंड में हिट करेगा कि हमको तो ये सारी चीज़ें अगर याद हैं तो हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। भाई क्या करना है, हमको यच का निकालना है, यस का मतलब हमें यच का पता है, यस का निकालना है, ओ का भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए यच की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, एक होगी, कितनी होगी, एक, प्लस वन होती है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, प्लस वन होगी। और ये देखिए क्योंकि यहाँ पर दो लगा है तो अगर आणविकता लगी है तो उसी से गुणा कर देते हैं, तो एक गुणे दो हो जाएगा, ठीक। प्लस, चूँकि एक तत्व से दूसरे तत्व पे जाएंगे तो बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस आएगा। यस, यस जिसकी निकालनी होती है उसको यक्स मानते हैं, यक्स वाई जेड का खागा कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने यक्स मान लिया। प्लस ओ, ओ की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, माइनस दो होती है, चूँकि परऑक्साइड तो है नहीं तो ये माइनस वन होगी, इसलिए परऑक्साइडों में केवल माइनस वन होती है, यहाँ पर इसमें माइनस टू होगी। परऑक्साइड क्या होगा, अभी हमने आपसे कहा था कि बाद में चर्चा करेंगे, देख लीजिए, परऑक्साइडों में जिसमें ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ये देख रहे हैं, ओ सिंगल बॉन्ड ओ, जो ये बंद उपस्थित होगा जब ऑक्सीजन का एक परमाणु एक अगले ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हो और ये मैंडेटरी कंडीशन हो, तो इस प्रकार की जो संरचना होती है, इस प्रकार का जो यौगिक होता है वो परऑक्साइड कहलाता है। तो ये परऑक्साइड नहीं है, अब ये परऑक्साइड नहीं है तो ये ओ है। अब ओ देखिए, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है बेटा, माइनस टू है, तो इसकी माइनस टू होगी, तो धन रखेंगे, धन में माइनस टू इंटू ए फोर,
4 का गुणा कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ 4 लगा हुआ है। अब ये उदासीन यौगिक है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो मतलब बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, 4 × 8 और ये माइनस आठ ब्रेकेट में हो जाएगा, माइनस आठ जब धन से गुणा होगा तो धन ऋण का गुणा ऋण, तो ऋण 4 × 8 बराबर 0। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब क्या होगा, ये देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यक्स बराबर हो जाएगा माइनस आठ उधर जाएगा, ये प्लस आठ हो जाएगा, प्लस टू उधर जाएगा, ये माइनस टू हो जाएगा, यक्स बराबर आ जाएगा प्लस सिक्स, कितना आ जाएगा, यक्स बराबर बेटा प्लस सिक्स आ जाएगा, और यहाँ इसकी आक्सीकरण संख्या प्लस सिक्स होगी। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो कमेंट कर दीजिए कि क्लियर हो गया सर, और नहीं आया है तो फिर मुझे आप सूचित कर दीजिएगा फ़ोन पर कि यहाँ पर हमें संबंधित दिक्कत थी, हम आपको एक बार फिर से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल थे, देख लीजिए इसको आप, ये दो एग्जाम्पल थे कि जब यौगिक उदासीन हो, जब उदासीन हो, इसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, तब हम क्या करते हैं, योग शून्य मान लेते हैं। योग शून्य का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे यहाँ पर 1+1 इज इक्वल टू 0 किया हमने, यहाँ पर इतना करने के बाद इज इक्वल टू 0 किया, इसी का अर्थ है योग शून्य होना, योग शून्य मानकर लगाएंगे। तो ये तरीका हो गया एक आपका रूल 1, ये चीज देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। आइए रूल 2 पे चलते हैं, रूल नंबर 2, ये बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं बेटा, इसको याद रखेंगे तो आक्सीकरण संख्या निकालने में कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रूल नंबर 2 क्या है, जब यौगिक धनात्मक हो, जब यौगिक धनात्मक हो तब योग में समान संख्या ब्रैकेट में आवेश, जब धनात्मक हो तब समान संख्या ब्रैकेट में आवेश, में आप धनावेश भी कर सकते हैं, तब योग में समान संख्या मानकर हल करते हैं, ठीक है। कि ये कैसे हल करेंगे, यौगिक धनात्मक कब होगा, यौगिक धनात्मक कब होगा, धनात्मक या ऋणात्मक होने की कंडीशन तभी आएगी जब वो आयन होगा, क्या होगा, आयन होगा भाई। यदि जब यौगिक आयनिक रूप में होगा तभी वो धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा बेटा, अगर वो आयनित नहीं है तो फिर उदासीन होगा, धनावेशित और ऋणावेशित नहीं हो सकता। तो सबसे पहली कंडीशन कि जब यौगिक धनात्मक हो, तो धनात्मक होगा मतलब अपनी आयनिक अवस्था में होगा, हो तब योग में समान संख्या धनावेश मानकर हल करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं, एक एग्जांपल देखिए, जैसे एक एग्जांपल है NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन की आक्सीकरण संख्या निकालिए। तो बेटा अब यहाँ पर रूल टू है, मैंने 1 ही लिखा था, मिटाया नहीं था। तो आप ये देखिए, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये धनात्मक है, इसके ऊपर धनावेश है, कितना धनावेश है, 1 धनावेश है, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, अब हम जब इसको हल करेंगे तो नाइट्रोजन की यदि आपको निकालनी है तो जिसकी निकालनी है उसको यक्स मान लेते हैं, उसके बाद प्लस लगाते हैं, हाइड्रोजन की आप जानते हैं प्लस 1 होती है, तो इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, प्लस 1 है तो चाहे प्लस लगाएं चाहे ना लगाएं, 4 है तो 4 से गुणा होगा बेटा, 1 × 4 होगा। अब बराबर क्या आएगा देखिए, अब बराबर होगा, बराबर में हमने कहा समान संख्या, समान संख्या का मतलब धनावेश, कितना धनावेश है, 1 ही धनावेश है बेटा, तो प्लस 1 कर देंगे, यहाँ 2 धनावेश होता तो प्लस 2 कर देते, 3 धनावेश होता तो प्लस 3 कर देते,
जितना आवेश होगा आवेश की प्रकृति यहाँ लिखेंगे और जितनी संख्या है 1, 2, 3 उसको यहाँ इसके सामने लिखेंगे। यहाँ पर आवेश की प्रकृति प्लस है बेटा तो हमने प्लस लिख दी, संख्या 1 है तो हमने 1 लिख दिया। अब ये समीकरण बन गया, इसको हमें केवल सिंपली हल करना है। यक्स 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 होगा, ये धन होगा, यक्स प्लस 4 बराबर 1, ये प्लस 1 है। यक्स जब 4 उधर जाएगा तो माइनस 4 होगा बेटा, 1 माइनस 4, या यक्स बराबर -3, यही इसका आक्सीकरण संख्या है बेटा -3। ये -3 इस यन की आक्सीकरण संख्या है। यदि आप सबको समझ में आ गया है तो बिल्कुल कमेंट में लिख दीजिए क्लियर हो गया सर, नहीं समझ में आया है तो प्रक्रिया वही है, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे नंबर पर फ़ोन करके मुझे सूचित करिए कि क्लियर नहीं हुआ है, फिर आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कहीं भी किसी भी प्रकार की जितने वीडियो मैंने शुरू से अपलोड किए हैं, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 या आने वाले समय में भी जितने वीडियो अपलोड होंगे, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें आपको नहीं समझ में आया या कोई डाउट है, तो आप निसंकोच मेरे नंबर पर फ़ोन करके मुझसे क्लियर कर सकते हैं बेटा। मॉर्निंग 10 AM से सुबह 10 बजे से लेकर आप 8 बजे रात तक, सुबह 10 से लेकर रात 8 तक आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए इसके बाद तीसरा नियम देखेंगे हम, रूल नंबर 3। ये समझ में आ गया, इसको मिटा के बस वो भी एकदम सेम इसी तरह है बेटा, उसमें कुछ भी अलग से करना नहीं है। आइए रूल नंबर 3 देखते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ केवल एक शब्द का परिवर्तन है जब यौगिक ऋणात्मक हो। आपको वैसे भी धनात्मक वाले से आइडिया मिल गया होगा, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं ताकि आप क्लियर हो जाएं, कोई दिक्कत इसमें ना आए। आइए देखते हैं क्या होगा। ये देखो, सपोज करो ऋणात्मक है तो एग्जाम्पल में मान लो आ गया CO3 डबल माइनस। अब आप देख सकते हैं बेटा कि ये आयन है और इसके ऊपर ऋण आवेश लगा है, 2 ऋण आवेश लगा है। इसी तरह से हल करेंगे, काफ़ी सारे बच्चे तो हल कर लेंगे, हम तो मान के चलने लगभग सब हल कर लेंगे, आपने कर भी लिया होगा, बहुत अच्छे। एक बार इसको देख लीजिए, अगर किसी को कहीं कोई समस्या आई हो तो कहाँ आ रही है वो देख के क्लियर कर लीजिए। CO3, अब मैं CO3 में C की हमको निकालनी है, तो जिसकी निकालनी है बेटा उसको यक्स मान लेंगे, यक्स मान लिया हमने, यक्स प्लस O की आक्सीकरण संख्या आप यहाँ से देख लीजिए -2 होती है, तो -2 यहाँ पर संख्या 3 लगी है तो गुणा कर लेंगे 3 से, ब्रैकेट बंद कर लेंगे बेटा, बराबर करेंगे क्योंकि अब कोई यौगिक है नहीं। बराबर में हमने आपसे कहा था कि जो आवेश की प्रकृति है, अब आवेश की जो प्रकृति है बेटा, आवेश की प्रकृति माइनस है तो सबसे पहले माइनस चढ़ा लिए हम, आवेश कितना लगा है 2 की संख्या में लगा है तो -2 लिख देंगे। समझ में आया सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हल करेंगे, यक्स प्लस 2 + 6 और -6 है तो बेटा -6 हो जाएगा, बराबर -2 हो जाएगा, धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, यक्स -6 बराबर -2 होगा, -6 उधर जाएगा बेटा +6 हो जाएगा, यक्स बराबर -2 +6 होगा और ये +4 हो जाएगा बेटा, यक्स इज इक्वल टू +4 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो कार्बन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ जाएगी, और इसी के साथ आपका ये तीसरा नियम ख़त्म हो गया। समझ रहे हैं, तो रूल 1, रूल 2 और ये रूल 3 था, ये रूल 3 था जब ऋणात्मक हो। रूल 1 आपने पढ़ा जब क्या हो, उदासीन हो, रूल 2 आपने पढ़ा जब धनात्मक हो, और रूल 3 आपने पढ़ा जब ऋणात्मक हो। इस तरह से आपने तीनों नियम देख लिए आक्सीकरण संख्याओं को निकालने के, और किस तरह से आप आक्सीकरण में धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन तीनों का निकालेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप इससे अपने मन से कोई हल करने की कोशिश करिएगा, बहुत सा आप बुक उठाइएगा उसमें पीछे बहुत सारे एग्जाम्पल इसके दिए गए हैं, आप उसको निकालने हल करने की कोशिश करिए, नहीं आता है तो आप हमें सूचित करिए। अब कल क्या, आप आज के वीडियो में हम इतना ही आपको आज बताना था, हमने बता दिया, कल का जो वीडियो आएगा उसमें एक तरफ से इनके सभी एग्जाम्पल आपको हल करवाए जाएंगे तो आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए, आज के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।